पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वाइंडिंग पिचेस का ओवरव्यू लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम वाइंडिंग पिचेस के रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में एक टू लेयर वाउंड आर्मेचर को दिखाया गया है। टू लेयर वाउंड आर्मेचर का ईच स्लॉट टू डिफरेंट क्वाइल के टू साइड को कैरी करता है। क्वाइल का एक साइड अपर हाफ स्लॉट में रहता है और दूसरा साइड लोअर हाफ स्लॉट में रहता है। इस डायग्राम में अपर हाफ स्लॉट के कंडक्टर को रेड कलर में दिखाया गया है और बॉटम हाफ स्लॉट के कंडक्टर को ब्लू कलर में दिखाया गया है। अपर हाफ स्लॉट के कंडक्टर को ऑड नंबर असाइन करते और बॉटम हाफ स्लॉट के कंडक्टर को इवन नंबर असाइन करते हैं। इस डायग्राम की हम लेफ्ट वाइंडिंग करेंगे और इस डायग्राम की हम वेव वाइंडिंग करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस बैक पिच। व्हाट इज बैक पिच? बैक पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कॉइल ऑन बैक साइड ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर के कम्यूटेटर साइड को फ्रंट साइड कहते हैं, जबकि कम्यूटेटर के अपोजिट साइड को बैक साइड कहते हैं। नाउ आर्मेचर के बैक साइड पे एक कॉइल के टू साइड्स के दरमियान इन टर्म ऑफ कॉइल साइड्स और इन टर्म ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जो डिस्टेंस बनता है उस डिस्टेंस को बैक पिच कहते हैं। जैसा कि इस केस में इस येलो कॉइल का साइड नंबर 1 और साइड नंबर 6 ये बैक साइड पे कनेक्ट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को बैक पिच कहते हैं। डायग्राम 2 में आर्मेचर की वेव वाइंडिंग हुई है। ये कॉइल नंबर 1 है। कॉइल नंबर 1 का साइड नंबर 1 एंड साइड नंबर 6 ये बैक साइड पे कनेक्ट है, कम्यूटेटर के अपोजिट साइड पे कनेक्ट है, इसलिए इन टू साइड्स के दरमियान इन टर्म ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और इन टर्म ऑफ कॉइल साइड जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को बैक पिच कहते हैं। बैक पिच ऑलवेज डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर होता है। चूंकि इवन और ऑड नंबर के डिफरेंस से हमेशा ऑड नंबर आता है, इसलिए बैक पिच हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा ऑड होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए? फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स इन द आर्मेचर स्लॉट्स। इस केस में बैक पिच क्या है? चूंकि इस कॉइल का एक साइड साइड नंबर 1 है और दूसरा साइड साइड नंबर 6 है। 6 minus 1 gives 5. So the value of back pitch in this case is 5. इस डायग्राम में बैक पिच क्या है? इस कॉइल का एक साइड साइड नंबर 1 है और दूसरा साइड साइड नंबर 6 है। ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 6 है। 6 minus 1 is 5. So the value of back pitch in this case is also 5. So the back pitch should be odd. अब बैक पिच को रिलेशन की मदद से किस तरह फाइंड करते हैं? इसके लिए रिलेशन कौन सा इस्तेमाल होता है? YB is equal to 2C divided by P plus minus K. ये C number of coils को represent करता है। आर्मेचर के ऊपर कितने number of coils है। P number of poles को represent करता है। ये क्या किया है? ये एक integer या fraction value होता है जो कि इस value के साथ add और subtract होके बैक पिच को ऑड बनाता है, क्योंकि बैक पिच हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बैक पिच डिटरमाइंस द साइज ऑफ द कॉइल। आर्मेचर की वाइंडिंग में बैक पिच की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी मदद से हम कॉइल की साइज को डिसाइड करते हैं। जैसा कि इस केस में कॉइल का साइज बैक पिच के बराबर है और इस केस में भी कॉइल का साइज बैक पिच के बराबर है। The next thing is a front pitch. Front pitch is the distance between coil sides connected to same commutator segments. Front pitch is measured in term of coil sides or in term of armature conductors. जैसा कि इस केस में coil number 1 का side number 6 और coil number 2 का side number 3 same commutator segment पे connect है। इन टू साइड के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को फ्रंट पिच कहते हैं। फ्रंट पिच हमेशा डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर होता है। इवन और ऑड नंबर के डिफरेंस से ऑड नंबर आता है, इसलिए फ्रंट पिच हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल इन द आर्मेचर स्लॉट्स। आर्मेचर स्लॉट्स में कॉइल की प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए फ्रंट पिच का ऑड होना जरूरी है। इस केस में फ्रंट पिच की वैल्यू क्या है? चूंकि कॉइल नंबर 1 का साइड नंबर 6
और कॉयल नंबर टू का साइड नंबर थ्री फ्रंट साइड पे कनेक्ट है। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या बनता है? 6 माइनस 3, इससे 3 आता है। और 3 क्या है? ये एक ऑड नंबर है। इस केस में आर्मेचर की वेव वाइंडिंग हुई है। क्वाइल नंबर 1 का साइड नंबर 6 क्वाइल नंबर 2 के साइड नंबर 9 के साथ कनेक्ट है ऑन द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट विच इज अ 5। सो इन टू साइड के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को फ्रंट पिच कहते हैं। इस केस में फ्रंट पिच की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 6 विच गिव्स 3। ये 3 क्या है? ये एक ऑड नंबर है, इसलिए फ्रंट पिच की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रंट पिच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द क्वाइल, इट डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ द क्वाइल। फ्रंट पिच वाइंडिंग के टाइप को डिसाइड करता है कि वाइंडिंग लैप वाइंडिंग होगा या वेव वाइंडिंग होगा। ये क्वाइल के साइज को अफेक्ट नहीं करता। नाउ द रिलेशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक पिच इज फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग YB इज इक्वल टू YF प्लस 2 एंड फॉर रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग YF इज इक्वल टू YB प्लस 2। दीज टू रिलेशंस आर एप्लीकेबल फॉर लैप हेज वेल हेज फॉर वेव वाइंडिंग। द नेक्स्ट टर्म इज वाइंडिंग पिच। वाइंडिंग पिच इज रिप्रेजेंटेड बाई Y एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्वाइल्स। टू कंसेक्यूटिव क्वाइल्स के स्टार्टिंग साइड के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को वाइंडिंग पिच कहते हैं और इस डिस्टेंस को इन टर्म ऑफ क्वाइल साइड्स मेजर करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आर्मेचर की लैप वाइंडिंग हुई है, ये क्वाइल नंबर 1 है और ये क्वाइल नंबर 2 है। क्वाइल नंबर 1 के स्टार्टिंग और क्वाइल नंबर 2 के स्टार्टिंग के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को वाइंडिंग पिच कहते हैं। फॉर लैप वाइंडिंग वाइंडिंग पिच को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? चूंकि ये डिस्टेंस बैक पिच माइनस फ्रंट पिच के बराबर है, इसलिए फॉर लैप वाइंडिंग वाइंडिंग पिच इज इक्वल टू YB माइनस YF। इस डायग्राम में आर्मेचर की वेव वाइंडिंग हुई है, ये क्वाइल नंबर 1 है और ये क्वाइल नंबर 2 है। क्वाइल नंबर 1 के स्टार्टिंग और क्वाइल नंबर 2 के स्टार्टिंग इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को वाइंडिंग पिच कहते हैं। इस केस में वाइंडिंग पिच को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अगर बैक पिच और फ्रंट पिच को ऐड कर दिया जाए तो इससे वाइंडिंग पिच आता है। इसलिए लैप वाइंडिंग के केस में वाइंडिंग पिच डिफरेंस ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच के बराबर होता है और वेव वाइंडिंग के केस में वाइंडिंग पिच सम ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बैक पिच किस चीज़ के बराबर था? 5 के, और फ्रंट पिच किस चीज़ के बराबर था? 3 के। इसी तरह इस केस में बैक पिच 5 के बराबर था और फ्रंट पिच 3 के बराबर था। सो इस डायग्राम में वाइंडिंग पिच की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 3 बैक माइनस फ्रंट विच इज 2। इस तरह इस केस में वाइंडिंग पिच की वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 3 विच इज 8 बैक प्लस फ्रंट विच गिव्स 8। सो दिस इज अनदर वे टू डिसाइड वेदर द वाइंडिंग विल बी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। इन लैप वाइंडिंग इट विल बी द डिफरेंस ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच, इन वेव वाइंडिंग इट विल बी द सम ऑफ बैक एंड फ्रंट पिच। The fourth and the last term is commutator pitch. Commutator pitch is represented by YC and it is the distance between two commutator segments to which the start and finish of coil is connected. Coil ka starting side aur finishing side jin commutator segment ke saath connect hota hai, un two commutator segment ke darmiyan jo distance banta hai, us distance ko commutator pitch kehte hai. कम्यूटेटर पिच को इन टर्म ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स मेजर करते हैं। लैप वाउंड आर्मेचर की केस में लेट सपोज क्वाइल नंबर 1। क्वाइल नंबर 1 का स्टार्टिंग साइड कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ कनेक्ट है और फिनिशिंग साइड कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के साथ कनेक्ट है, इसलिए 2 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को कम्यूटेटर पिच कहते हैं। इन केस ऑफ वेव वाउंड आर्मेचर लेट सपोज क्वाइल नंबर 1। क्वाइल नंबर 1 का स्टार्टिंग कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ कनेक्ट है और फिनिशिंग कम्यूटेटर सेगमेंट 5 के साथ कनेक्ट है,
इस 5 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस को कमोटेटर पिच कहते हैं। इस केस में कमोटेटर पिच की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 विच इज 1, और इस केस में कमोटेटर पिच की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 विच इज 4। सो कमोटेटर पिच को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फिनिशिंग कमोटेटर सेगमेंट माइनस स्टार्टिंग कमोटेटर सेगमेंट, इससे जो वैल्यू आता है इसको कमोटेटर पिच कहते हैं।